रविवार की सुबह महापौर सीताराम जायसवाल ने पूर्वांचल के सबसे बड़े लाल डिग्गी स्थित नेहरू पार्क में चल रहे सुंदरीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। नेहरू पार्क के सुंदरीकरण का कार्य काफी दिनों से धन के अभाव में अधर पड़ पड़ा था, जिसे महापौर ने संज्ञान में लेते हुए प्रदेश सरकार से धन की व्यवस्था कराई और सुंदरीकरण का कार्य तेजी से सुचारू रूप से शुरू हो गया। पार्क में 45 लाख की लागत से सूखे पड़े झील के जीर्णोद्वार का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिकों और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, इसको अंदर से फिर बनाया तो फिर अंदर अंदर जाएगा पूरा। हमको मत दिखो सर, देखिए दीवार कुछ खड़ी कर रहे हैं, छड़ दे छड़ दे बरसात वाली दिक्कत हो गई हो जाएगी। नहीं नहीं छोटा मोटा नहीं भाई, आप एरिया नहीं देखिए, बड़े है खड़ा है 15 दिन लग जो ना निकाले बगल के चला चला रिटायर्ड डिप्टी सीएम हो, मैं कह रहा हूँ कि जो काम सरकार की तरह से हो रहा है वो काम हो रहा है, सफर करें काम हो जाए। आप प्रतिदिन आते हैं टहलने यहाँ पे? जी रोजाना। कितने साल? 4 साल से आ रहा हूँ, 5 साल से। क्या लग रहा है, क्या बदलाव आ रहा है इसमें? इसमें बहुत साफ सफाई सुथराई है, जब से हमारे मेयर साहब आए हैं, नए मेयर आए हैं, उनके आने का ज़्यादा असर पड़ा है। तो कभी कदा कदा आते रहते हैं, उसको देखते भालते रहते हैं, हुआ है। आपका जमील है मकान? जमील जी, आप इस पार्क में टहलने आते हैं कितने? पार्क तो पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन एक बात ये कहनी है, क्वालिटी का नहीं ध्यान दिया जा रहा है। ये ईंट जो है पीली ईंट लगाई जा रही है, ना कोई सुपरविजन करता है नगर निगम का आदमी, तो इसका ख्याल रखा जाए। कोई क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं है, जो भी चीज़ें बनवाई गई हैं यहाँ क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे एक पोखरा भी है, यहाँ पे तालाब, यहाँ पे नौका भी चलती है, यहाँ पे उसकी क्या स्थिति लग रही है आपको? ये जो झील जो बन रहा ना है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, लेकिन जो बन के क्या होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा, फिर वैसे ही पुरानी चीज फिर वैसे ही आ जाएंगी। कोई मेंटेनेंस यहाँ कोई स्टाफ है नहीं। देखिए बड़ा काम है और 4 करोड़ 18 लाख का प्रोजेक्ट है, हमने ठेकेदार को बोला है, अपने एक्सीएम को भी बोला है कि बरसात के पहले जो तालाब है इसका काम पूरा हो जाना चाहिए। हमको उम्मीद है कि जिस गति से काम हो रहा है ये पूरा हो जाएगा, बाकी ये काम उम्मीद है हम लोग कि 6 महीने में पूरा करके शहर के लोगों को समर्पित कर देंगे नेहरू पार्क को। सर, बच्चों के खेलने के उपकरण भी कुछ टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर क्या
जो बच्चों के उपकरण है टूटे हुए हैं, मैंने भी देखा है उसको, और इसका रिपेयरिंग करा दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें टूटी है, वो जल्दी हम लोग बनवा देंगे। और ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, गोरखपुर में इतना बड़ा पार्क नगर निगम का कोई नहीं है, और इसमें 4 फुहारे लग गए हैं। एक म्यूजिकल फाउंटेन लगेगा जिसकी लागत 45 लाख रुपया है, और 3 जो हैं छोटे छोटे फाउंटेन हैं वो भी बनेंगे, और ये पूरा खूबसूरत दिखाई पड़ेगा। इस तरह का पार्क पूर्वांचल में पहला होगा गोरखपुर में, ये जिसका इतना अच्छा सुंदरीकरण किया जा रहा है। सरकार इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है, नगर निगम भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है, हमारे अधिकारी सभी लोग मिल मिल करके काम कर रहे हैं, और 6 महीने के अंदर जनता को समर्पित कर दिया गया। अभी हम लोग इसमें 6 गार्ड देने जा रहे हैं, उसका टेंडर हो गया है, इसमें 6 गार्ड रहेंगे जिसकी 8-8 घंटे पर 2-2 गार्डों की ड्यूटी लगेगी, और वो गार्ड हम लोग को तुरंत इसी महीने में प्राप्त हो जाएंगे। उसकी देख रेख में काफ़ी सुविधाएँ होगी और यहाँ की व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी।